ladies and gentlemen, very warm welcome to 96 module of social aspects of uncertainty. let's discuss this. knight sub begins by observing the uncertainty is undesirable but notes the method of reducing uncertainty all involves cost. but a important point. Okay, reducing uncertainty all involves cost. इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैथोलॉजी के अंदर आपने सारी चीजों की कॉस्ट को मैनेज कर लिया तो आप ऑंटरप्रेन्योर होंगे नाइट साहब की बड़ी इंपॉर्टेंट फिलोसफी है इसके ऊपर यानी अगर कॉस्ट बढ़ गई या टाइम ऑफ इसको अगर आप लफ्स अगर टेक्निकल लिखना चाहें तो इसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल और इकोनॉमीज ऑफ स्कोप दो लिखने के बाद आप लिखिए कि इसमें कॉस्ट कितनी इन्वॉल्व है अगर entrepreneur ये कहता है या मैंने हाई कॉस्ट में एक प्रोडक्ट कर दिया लेकिन कामयाब तो कर दिया वो एंटरप्रेन्योर नहीं है तो इन्वॉल्व अनसर्टर्निटी के बावजूद आपने कॉस्ट को जो मिनिमाइज कर, करना है अगर आपने कॉस्ट को मिनिमाइज नहीं किया आपके रिजल्ट्स उतने नहीं मिलेंगे देन इंटरेस्ट इज अ फिनल कनेक्टेड विद इंक्रीज ऑफ मटेरियल इक्विपमेंट ऑफ सोसाइटी एंड डिपेंड्स ऑन द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन द प्रोसेस and considered to be directly correlated to uncertainties of progress the crux of the current confusion in interest theory lies in the failure to see the significance of the fact that we live in progressive society that new net surplus production is constantly flowing through the loan market into the investment field and beginning being converted into the material equipment इसका जरा टेक्निकल एस्पेक्ट हम देखते हैं और वो ये देखेंगे कि आपका जो फ्लो ऑफ कैपिटल है वो मटेरियल सरप्लस में आता है अच्छा उसका नेट वर्थ कितनी बनती है और प्रोडक्शन जो आपकी सरप्लस में आ रही है या आपकी आ, आ, नेट वेटेड एवरेज स्कोर पे आ रही है या आपकी बिलो एवरेज स्कोर पे आ रही है? फिर आपका मार्केट के अंदर लोन कितना है आप लोन बेस पर चला रहे हैं या आप नेट प्रेजेंट वैल्यू पे चला रहे हैं और अगर आप इस पे चला रहे हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू पे चला रहे हैं और ब्रेक इवन से ऊपर चले गए दैट इज मोर देन एन एक्सेलेंट एंटरप्रेन्योरियल अप्रोच लेकिन अगर लोन मार्केट पे भी चलाकर आपने ब्रेक इवन से ऊपर कर गए और आपने रिजल्ट कैपिटल लोन भी दे दिया सरप्लस में लाकर प्रोडक्शन की वजह से तो फिर आपने रिजल्ट एक्वायर कर लिया सो दैट्स व्हाट वी कॉल इट कोर रिलेटेड टू अनसर्टेनिटीज ऑफ प्रोग्रेस सो आपने डायरेक्शन समझ ली सोशल एस्पेक्ट के अंदर अनसर्टेनिटीज के एस्पेक्ट के अंदर सबसे पहला जो क्रक्स में बताऊंगा जो कन्फ्यूजन देता है वो थेरी है कि इसके थेरी ऑफ लाइज है फिर फेल्योर है फिर सिग्निफिकेंट फैक्ट्स हैं देन इसका प्रोग्रेसिव फैक्ट है देन इसका सरप्लस प्रोडक्शन है फिर कॉन्स्टेंट फ्लो है मटीरियल फ्लो है लोन मार्केट है और मटीरियल इक्विपमेंट है इनका रिजल्ट जब आप लेते हैं तो आपका टोटल रिजल्ट डेवलप होगा Thank you very much.